गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स ऑयल अलसी के तेल पर। दोस्तों, अलसी का तेल जो होता है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज के दौर में अपने भोजन में हम अलसी के तेल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर में दादा दादी और बड़े बूढ़ों से अगर हम अलसी के तेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप जानेंगे कि उस समय में खेतों में अलसी उगाई जाती थी और घर में सब्जी में पुड़ियाँ तलने में अलसी के तेल का भी उपयोग किया जाता था। और अलसी के तेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वो ब्लड शुगर के लिए हों, डायबिटीज़ के पेशेंटों में हों, हमारे हृदय और ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने के लिए हो, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे वज़न को भी नियंत्रित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लोगों का जो वज़न है उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं देखने को मिलती हैं। पुरुष हों या महिलाओं हों, महिलाएं हों, उनमें भी जो है वज़न बढ़ जाने के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, जो अलसी का तेल है उसे हमें अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें शामिल करना चाहिए, अपने डेली फूड आइटम में। इसके अलावा जो अलसी का तेल फ्लेक्स ऑयल है वो कैप्सूल फॉर्म में भी कुछ कंपनीज बनाती हैं, जिसमें से एक वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये है, इसका उपयोग भी मैंने अपने घर में और मेरे जो परिचित लोग हैं उसमें किया है और उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मुझे मिले हैं। तो आज जो मैं आपसे फ्लेक्स ऑयल अलसी के तेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा जो भोजन है उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए और हमारे भोजन को ही औषधि के रूप में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप जागरूक होंगे तभी आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, फ्लेक्स ऑयल अलसी के तेल से संबंधित, या आपका किसी भी प्रकार का हेल्थ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट करें, क्वेश्चन करें। धन्यवाद दोस्तों।